श्रीमन नारायण नारायण श्रीमारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम गीता प्रेस के संस्थापक व संरक्षक सेठ जी श्री दयाल जी गोयनका के श्री चरणों में प्रणाम गीता प्रेस के आदि संपादक भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के श्री चरणों में प्रणाम वीतराग सन्यासी परम शरदे श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम आज बहुत ही हम लोगों के प्रसन्नता का विषय है आनंद का विषय है कि भगवान की कृपा से महापुरुषों की कृपा से हम लोगों को कुछ शिव जी के पेड़ पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है कुछ सेठ जी अपने लोगों को जो के भाई बहन साथ में जुड़े हुए हैं प्राय सबको पता ही है सेठ जी के विषय में कि सेठ जी कैसे महापुरुष हुए वो जो महाराज जी से पूछा गया सेठ जी के विषय में तो उन्होंने कहा कि सेठ जी अवतार कोटि के महापुरुष हुए कोई उनको कारक पुरुष मानता था कोई उनको भगवान का अवतार ही मानता था ऐसी बहुत सी घटनाओं से ऐसा सिद्ध हुआ उन्हीं सेठ जी के संकल्प व प्रभाव से आज भी अपने यहाँ जो सत्संगी भाई बहन है हम लोग एक सत्संग की धारा में बह रहे हैं जो उन्होंने धारा 110 वर्ष पूर्व चालू की थी आज वो यथावत चल रही है ऐसे संतों का ऐसे महापुरुषों की बातें अपने को पढ़ने को मिलती है तो इसको सौभाग्य या भाग्य तो नहीं कहना चाहिए ये तो संसार में लागू होता है इसको तो भगवत कृपा ही माननी पड़ेगी इस तरह का महापुरुषों की वाणी पढ़ना श्रवण करना सुनना हमारे को सब चीज उपलब्ध है सेठ जी के जो पेड़ पढ़ने की बात है बहुत से जो नए भाई बहन अगर हो तो उनके लिए बोलना है कि पैड का उद्गम कैसे हुआ इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करें तो इस पैड का उद्गम ऐसे हुआ कि सेठ जी के समय जो वो प्रवचन देते थे वो प्रवचन कुछ भाइयों ने अपनी क्षमता अनुसार बुद्धि अनुसार नोट कर लिए फिर बाद में घनश्याम दास जी चलान जो शेठ जी के अन्य प्रिय थे उन्होंने इसको थोड़ा काम हाथ में लिया धीरे धीरे आगे बढ़ा उसमें से कुछ पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित भी हुई है लेकिन बहुत सी चीजें बाकी रह गई अभी लगभग अपने जो रामेश्वर बाबू जी गीता भवन में रहते हैं उन्होंने इस पेड़ का काम बाद में हाथ में लिया अब तो वो भी बहुत व्रत हो गए हैं तो लगभग एक या छियासठ पैडों पैड्स का निर्माण हुआ है उसमें से एक दो पैड उपलब्ध है नई भी है फिर भी चेष्टा की जा रही है तो आज हम दो नंबर पैड से चालू कर रहे हैं एक नंबर पैड उपलब्ध अभी हमारे यहाँ नहीं था इसलिए दो नंबर पैड से चालू कर रहे हैं उसमें सेठ जी ने बहुत ही सरल भाषाओं में बातें की है ये है भाद्र शुक्ल द्वादशी सोमवार दोपहर में तद अनुसार तारीख है पच्चीस नौ उनतालीस बाकुड़ा बाकुड़ा में सेठ जी जो आपको आप पता हो तो सेठ जी बाकुड़ा में व्यापार की दृष्टि से रहते थे पहले माकुडा और चक्रधरपुर दूर जगह तो अभी वो बाकुड़ा की बातें आ रही है सेठ जी अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं सुपारी खून को सुखाती है सुपारी के लिए बोल रहे हैं सुपारी खून को सुखाती है बोली को मोटी करती है सुपारी न खाकर सौंप खाना ठीक है देखिए सेठ जी क्या बोल रहे हैं सुपारी नहीं खाकर सौंप खाना चाहिए अच्छा हुआ सेठ जी के जमाने में मेरे को लगता है जर्दा गुटका नहीं था तो बहुत अच्छा हुआ तो उन्होंने सुपारी की बात ही कही नहीं तो अभी जर्दा गुड़ का होता तो उनको कितना दुख होता तो किसी आदमी ने प्रश्न किया कि आदमी में दुख पड़ता है तब तो वह कहता है कि अच्छा होने पर भगवान का भजन करूंगा पर अच्छा होने पर वह नहीं करता है इसका क्या कारण है श्री शेठ जी समय को अमोलक बनाओ समझो मृत्यु को नजदीक समझो समय मूल्यवान है अच्छे काम में बिताना चाहिए अपन तो ऐसे गाफिलता में ही बिता रहे हैं समय को ऊंचे से ऊंचो बिताना चाहिए एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए अब जो एक क्षण की बात है तो इस विषय में एक बात आई स्वामी जी महाराज बताते थे कि सेठ जी ने एक पत्र लिखाया वो महाराज जी के हाथ में पड़ा उस पत्र में सेठ जी ने लिखा कि अगर एक क्षण के लिए भी राम का नाम भूल जाए तो जवान बेटा गुजर जाए इतना दुख होना चाहिए उस पत्र में ये सेठ जी ने लिखवाया था और महाराज जी ने पढ़ा था तो महाराज जी ने बताई ये बात तो इसलिए सेठ जी बोलते हैं कि ऊंचे से ऊंचो बिताना चाहिए एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए मृत्यु अनिश्चित है कल या परसों ये बात कही थी कि एकांत एक में बैठकर थोड़ी देर साधन तेज करने के लिए विचार करना चाहिए फिर साधन तेज करना चाहिए मन को परमात्मा में स्थिर करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए मन में यही देह बनाकर बैठना चाहिए दो दिन पहले बोला क्या किसी ने कोई विचार किया कुछ चेष्टा करी कुछ मराजी बोलते हैं उस तरह से तो नहीं किया और समय भी नहीं मिलता है सेठ जी बोले क्यों नहीं मिला यह तो मन का धोखा है रोटी खाने के लिए तो समय मिलता ही है बात यह है कि कितनी ही सुनो तो वही बात है काम में लाने से ही काम होगा बार बार कहने का उद्देश्य तो यही है कि समय को दामी बनाओ वह कार्य आरंभ कर देना चाहिए सब बातों में कमी है तो इसी में ही है सेठ जी कितना देखो बोल रहे कितना उनको दर्द हुआ कि सब काम अपन भोजन कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं लेकिन इसी में ही कमी रखी है सुनकर काम में नहीं लाते बस विशेष कर यही कारण है कि लाभ नहीं उठाते अपने तो केवल सुनना ही कर्तव्य समझ रखा है चिंता हो उसी को लगे वह भी अच्छी बात है लेकिन परंतु काम में लावे तो और भी अच्छी है अपने लोग जितने आदमी हैं उनका जो कार्यक्रम है उसको चाहे बदली बदली नहीं करे पर भाव बदली कर देना चाहिए उसमें बहुत पोल है कार्य पटुता नहीं है कार्य कुशल होना चाहिए सारी क्रिया परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन सकती है यानी बना लेनी चाहिए किसी की युक्त क्रिया परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन सकती है भक्ति के सिद्धांत से तो ऐसे ही बन सकती है गीता अध्याय नौ सत्ताइस का श्लोक है ब्रह्म अर्पण ब्रह्म अवीर ब्रह्मग्रह ब्रह्मणा हकम यहाँ अर्पण करने का मतलब भाव से है भाव क्या है अपने जो जीविका करते हैं व्यापार करते हैं उसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरे अर्पण कर दो, मेरे अर्पण कर दो प्राय लोग व्यापार रुपयों के लिए करते हैं अगर कोई भाई लोग सुन रहे हो तो बड़ा ध्यान से सुन रहे हो भाई लोगों के लिए बात है विशेषता से कि प्राय लोग व्यापार रुपयों के लिए करते हैं भगवान के लिए किया जाता है वही भगवान के अर्पण है क्रिया अर्पण कर दे भगवान की आज्ञा के माफी की अपने क्रिया करते हैं या भगवान की कठपुतली बन जाएं जैसा वे कराएं वैसा ही करते हैं या व्यापार भगवान का है अपने भगवान के हैं वे ही सब कराते हैं कितनी तरह की बातें यहाँ शेष जी ने बताई कि हम कैसे भी कर सकते हैं क्रिया भगवान को अर्पण कर दो या उनकी आज्ञा मानकर कर लो या भगवान की कठपुतली बन जाओ या व्यापार भगवान का है ऐसा मान लो अपने भगवान के है वो ऐसा मान लो वही सब करा रहे हैं ऐसा मान लो जी ने इतनी बातें बताई व्यापार के विषय में ऐसे ही भोजन के विषय में है बहुतों का उद्देश्य तो स्वाद का ही होता है भोजन जब हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या इस विषय में बात कर रहे हैं बहुतों का उद्देश्य तो स्वाद का होता है और बहुतों का शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहते हैं। अपने क्रिया तो होनी चाहिए भगवान के लिए शरीर भगवान का है खाया जाए वह भी भगवान के लिए भगवान का ही प्रसाद है भगवान के लिए ही खाया जाता है और उस शरीर की रक्षा के लिए ही भोजन है अपने तो ये समझे कि अपना इसमें कोई उद्देश्य नहीं है यह केवल कहने से काम नहीं चलेगा भगवान के प्रतिकूल क्रिया होती है तो समझना चाहिए कि इसमें भगवान का हाथ नहीं है काम का हाथ है भगवान का नाम झूठे ही लेते हो यदि भगवान के लिए क्रिया होगी तो उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए यहां शेर जी ने कसौटी बता दी कि अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो उसमें कोई राग द्वेष नहीं होगा कोई भी आपकी क्रिया में स्वार्थ आसक्ति या हर्ष शोक होता है तो वह भगवान के अर्पण हुआ ही नहीं या भगवान के लिए है ही नहीं वो किया, ही नहीं। तो किसी भाई ने किया। कोई आदमी कह दे यह तो नारायण के अर्पण है तो क्या लाभ नहीं होगा जैसे हम लोग कह देते हैं काम तो खराब किया और बोलते हैं नहीं हमने तो भगवान के अर्पण कर दिया कई लोगों के मन में ऐसा होता है उत्तर शेर जी बोले नारायण का नाम लेना तो ठीक ही है कई आदमी तो दम्भ से भी कहते हैं पर यह भाव अपने दिल में ही रखो जैसे कोई ज्ञान मार्ग वाला कहे कि शरीर मेरा अमुक जगह गया था मेरा नहीं सो जैसे कोई ज्ञान मार्ग वाला कहे कि यह शरीर अमुक जगह गया था इस क्रिया से वे दूसरों को जनाता है तो यह ऊंचे दर्जे की बात नहीं है इसमें दम्ब भी स्थान ले सकता है तो बाहर से तो लुकोना चाहिए मारवाड़ी शब्द है बाहर से छिपाना चाहिए जी ने बोला बाहर से तो लुकोनो चाहिए पर भीतर से मन में रखना चाहिए गुप्त भाव से करे तो लोगों को मालूम ही नहीं हो वही साधन दामी है गुप्त भाव से करे और लोगों को मालूम ही नहीं हो वही साधन दामी है मुख्य बात आपको बतलाई जाती है प्रातः काल से शाम तक अपने जो व्यापार करते हैं माल लेने वालों से तथा बेचने वाले को हर समय यह उद्देश्य रहता है कि रुपया कमाना रुपया तो उस जगह सेठ जी बोल रहे हैं यह उद्देश्य रहे कि भगवान के लिए लक्ष्य रुपयों की जगह भगवान का हो जाना चाहिए जैसे अपने यह उद्देश्य रहता है कि जिस काम में नुकसान हो, उस काम में अपन जाते ही नहीं जैसे नौकर अगर चार पैसे का कोई झाड़ू ले आया तो भी अपन क्या कहते हैं कि चार पैसे में ओ हो हो नुकसान कर दिया तो यह नुकसान भी अपन सहन नहीं कर सकते ऐसे ही भगवान की प्राप्ति में अगर कोई भी काम बाधा देवे तो वह अपने से नहीं होना चाहिए यदि इस तरह आपकी चेष्टा होगी तो फिर देखो भगवान के मिलने में आपको कितना समय लगता है हर एक बात अपने मन से पूछ ले कि यह भगवान की प्राप्ति में सहायक है या बाधक बाधक हो तो उसको तुरंत हटा देवे और सहायक हो तो करे व्यापारी से झूठ बोल रहे हो उस समय मन से पूछे कि यह भगवान की प्राप्ति में सहायक है या बाधक तो उत्तर मिलेगा बाधक तो झट उसका त्याग देवो फिर किसी भाई ने प्रश्न किया मन से पूछने में तो गलती भी हो सकती है तो सेठ जी बोले उसकी जिम्मेवारी फिर भगवान के ऊपर है काम जैसा करते हैं उसी तरह करो प्रभाव की असली चीज है नियत को यदि आदमी बदल दे तो भगवान जल्दी मिल जाए रुपयों में जितनी प्रीति है उतना भगवान में हो जाए तो काम बन जाए रुपयों के प्रभाव का तो खूब अध्ययन कर लिया पर भगवान के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया है रूपियो का प्रभाव समझ गए बट लेकिन भगवान का प्रभाव रुपयों से बहुत ज्यादा बड़ा है रुपयों से ज्यादा प्रभाव तो पारस का है वह यदि हाथ में आ गया तो सारे संसार को धनमान बना सकते हो उससे भी ज्यादा प्रभाव महात्मा का है पारस से कोई मुक्ति नहीं हो सकती वह तो लोहे को सोना ही बना सकता है गाय को भैंस को पानी को, को लोहा नहीं बना सकता है ईश्वर के आगे कोई चीज ही नहीं है फिर ऐसे ईश्वर को रुपयों जितना महत्व भी नहीं देते हो रुपया कमाया रुपया कमाया तो सोचोगे तो मालूम पड़ेगा जब सोचोगे अगर विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो अपने लिए बाधक ही है अगर थोड़ी देर के लिए समझ लो कि नहीं रुपया कमाना साधक है मतलब आवादक की जगह उसको ठीक लग रहा था तो बाद में पता चलेगा नहीं है, तो मूर्खता ही है दस वर्ष तक रुपया इकट्ठा किया कई लाख हो गया सौ में से निन्यानवे आदमी को देख लो वे रुपयों का न तो अपने जीते जी मदद देते हैं न मरने के बाद दो आदमी को ले लो एक रुपया वाले को दूसरा बिना रुपया वाले को रुपया वालों को तो उनकी मूर्खता ही सिद्ध होगी बहुत रुपया इकट्ठा किया कि आज मृत्यु हो गई और रुपये से कहो हे रुपया देवता हमारी रक्षा करो तो रुपया अपने साथ में नहीं चलेंगे यही रह जाएंगे आपने बैंक में रुपया जमा कर दिया मकान ले लिया तो मरने के समय में भी ज्यादा अटकता है कितना ही सोचो रुपया साथ में जाए ऐसा कोई उपाय नहीं है इसलिए ऐसे काम में टाइम लगाने छेट जी टाइम को टाइम बोलते थे ऐसे काम में ही टाइम लगानी चाहिए जो अपने साथ में जाए ऐसा जो प्रयत्न करने वाला प्रयत्न करे वह बुद्धिमान है पहले यह सोचो कि मरने के बाद साथ में क्या जाएगा स्त्री मकान लड़का क्या साथ में जावेंगे उत्तर मिलेगा नहीं शरीर जाएगा नहीं वह तो यही सुहा हो जाएगा प्रत्यक्ष में दिखता है कि मरने के बाद प्राण साथ में जाएंगे मन बुद्धि देखने की सुनने की शक्ति सब चली सब चला गया साथ में जाता है वह चीजें उच्च कोटि की बनानी चाहिए अगर अपने पास रुपया है और उस रुपयों से बुद्धि ज्ञान में कोई वृद्धि होती है लगा दोगे अगर बुद्धि ज्ञान की वृद्धि में लगाओगे तो साथ में जाएगा पीछे उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा अपनी आत्मा पवित्र हो ऐसे काम में समय लगाया तो दुख नहीं करना पड़ेगा पीछे जहां जन्म लेंगे मन की बुद्धि की पवित्र साथ में रहेगी मन में वस, मन में नहीं है उसको में करने के लिए यदि रुपया खर्च करना पड़े तो काम आ गया जहा जन्म लोगे मन अपने वस में कर सकोगे फिर किसी भाई ने प्रश्न किया रुपया खर्च करके मन वस में कैसे हो उत्तर सेठ जी बोले आपने सोचा मन कैसे में हो सोचो अमुक का मन में है वह उसके पास गए वहां विद्या सीखी जी सीखिए कैसा उदाहरण दिया कि जैसे किसी ने सोचा कि भाई रुपयों से मन कैसे वश में हो तो सेठ जी उदाहरण दे रहे हैं जिसका मन में है अगर आप उसके पास जा, जाते हैं कि उसका मन में वहां चलो तो उससे वो विद्या सीखने के लिए गए तो रुपया लगा रेल बाड़े का खर्च हुआ तो रुपया वे सही खर्च हुआ इंद्रिया और मन को माचना चाहिए उसमें दोष दोष है 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 उनमें एक स्त्री जा रही है, उसकी तरफ लुभा गया आकर्षण हो गया यह मेलापन है इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है वह कैसे शुद्ध हो यह सोचने की बात है अपनी दृष्टि उस स्त्री की तरफ क्यों जाती है तो आसक्ति सिद्ध होगी सुख सच्चा है या झूठा तो मालूम पड़ेगा झूठा है। इस प्रकार से दूर दृष्टि मांस, मज्जा मेला भरा पड़ा है उसमें कोई भी सुखदायक चीज नहीं है इस प्रकार मन को समझाना चाहिए इस प्रकार के विवेचन से आसक्ति हट सकती है ऐसे ही मन में काम क्रोध लोभ भरे पड़े हैं वे जलाते हैं इनको बुरा समझने से हट सकते हैं या भगवान की शरण में होकर रोने से कहे कि भगवान को सेठ जी बोले भगवान को कहो कि मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूं और ये काम क्रोध लोभ मेरे में भरे हुए पड़े हैं ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करो उन मतलब ऐसा रो भगवान जब ध्यान सत्संग से भी अंत्यकरण पवित्र हो जावे पूरा सुधार कर ले जब तो अपना जन्म ही सफल हो गया यदि पूरा सुधार नहीं हुआ तो मरने के बाद जहां होगा वही काम आ जाएगा ज्ञान ध्यान भक्ति कोई सा उपाय करो अपने में जो मान है पाखंड है दूसरे आदमी की हिंसा करने का दोष है उनको हटावे देवी संपदा को धारण करके भगवान का भजन करे यह भी एक साधन है अपने स्त्री बच्चों सबको इस काम में लगा दो देखो अब सेठ जी अपने लिए क्या बोल रहे हैं कि अपने स्त्री बच्चा सबको इस काम में लगा दो जिसमें ईश्वर खुश हो जावे वे सारी चीजें उसके लिए लगा दो अपनी जितनी सामग्री है विचार करके लगावे सारी मुक्ति को देने वाली है नहीं तो नरक को देने वाली है अपने में जो विद्या बुद्धि है उसको असत काम में लगा दोगे तो नरक में गिरा देंगे और यदि सत काम में लगा देंगे तो मुक्ति देने वाली हो सकती है इंद्रिया शरीर मन जड़ है इनको छोड़ दो इन पर अगर छोड़ देंगे मतलब इन पर अगर विश्वास कर लिया शेर जी का मतलब यह हुआ कि इंद्रिया शरीर मन जड़ है अगर इन पर छोड़ दो इन पर अगर विश्वास कर लिया तो तुरंत ही नरक में घेर देंगे यदि उन्हीं चीजों को सावधानी के साथ साथ रखो तो ये संसार के उस पार परमात्मा की प्राप्ति करा देगी संसार में जो विचार नहीं करते वे मूड है और जो उल्टा करते हैं वे महामूड है उत्तम बात तो यह है कि जिसमें सबका हित हो ऐसी चेष्टा करो उत्तरो उत्तर सुधार करना चाहिए सच्चा सुख सच्ची चीज तो भगवान है परमात्मा के सिवाय कोई भी सच्ची चीज कायम नहीं होती गीता का उदाहरण सत्य अध्याय का इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम सत्य है गीता में लिखा है सद्भावे साधु भावे च साधुओं का भाव सत्य है उत्तम कर्म सत्य है सत्य वस्तु बतलाई साधु भाव जहां जितना साधु भाव है वही सच्चा है वह आग में नहीं जल सकता पहला साधु था इससे आग में नहीं जला भगवान कहते हैं फिर गीता जी का उदाहरण दिया छठे आ जाएगा बाईसवा यम लब्धवा चापरम लाभम सुख मातिकम इन श्लोकों में सच्चा सुख बतलाया गया जिसकी सीमा नहीं हो ऐसा सुख है शेठ जी को पूछा कि कसौटी कैसे लगे तो ये उन्होंने कसौटी का गीता जी का श्लोक बताया यम लब्वा चापरम लाभम इसमें उदाहरण दिया था उन्होंने कि दो पहाड़ों के बीच में भी अगर पिसकर भी उसका शरीर चला जाए तो उसको दुख नहीं हो सकता तो ऐसा सुख है इसमें इन श्लोकों में सच्चा सुख बतलाया गया जिसकी सीमा नहीं हो सकती ऐसा सुख है यह इंद्रियों का विषय नहीं मन का नहीं बुद्धि थोड़ा ग्रहण कर सकती है उससे उस, उस सुख को जाना जाता है वह उस स्थिति में विचलित नहीं होता है इससे बढ़कर सुख है ही नहीं उस सुख की प्राप्ति होने पर भारी दुख आकर प्राप्त हो तो भी उससे विचलित नहीं होता है जैसे प्रहलाद हम तो साधन अवस्था में है उस सुख को बढ़ाना है जब बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाता है उस समय की यह बात है ऐसे ही उस आनंद की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है उस समय की यह बात है जैसे घड़ा दो दो इंची बढ़ता है घड़े का उदाहरण दिया घड़े का मतलब दो-दो इंची बढ़ता है लो घड़े में जैसे-जैसे पानी बढ़ते तो बढ़ता जाता है और पूर्ण होने से वह पूरा हो जाता है स्थाई रूप से जो सुख है वे नित्य हैं अब अपन खोज करें कि वह सुख कैसे हो विवेक से वैराग्य से त्याग से जप से ध्यान से सत्संग से मिलजुल कर ही होता है मनुष्य जितना परमात्मा के नजदीक पहुंच गया है उतना ही उसका अंधकार मिट गया है उतना ही वह सुख के नजदीक पहुंच गया है अंत में जब वह पूर्ण सुख को प्राप्त हो जाएगा तब उसकी बोटी बोटी काट दो तो अभी वह उसे विचलित नहीं हो सकता है कोई महात्मा के पास अपने जाते हैं तो उनके पास जिज्ञासु सच्चे सुख के लिए आते हैं यदि यह है मालूम हो जाए कि उसके पास सच्चा सुख है ही नहीं तो जाने की प्रवृत्ति ही नहीं होती है और जाने पर यह मालूम हो कि इसके पास सच्चा सुख है तो उससे पूछने की रुचि हो जाए फिर किसी भाई ने प्रश्न किया कोई कोई वक्त सत्संग में जाते हैं तो आनंद तो मिलता है पर ठहरता नहीं है बहुत सुंदर प्रसन्न वह फिर कौन सा है शेठ जी बोले भगवान ने तीन प्रकार का सुख बताया है सात्विकी राजसी तामसी। दस तो लगभग हो गया आज का समय तो कीर्तन कर लो कोई कोई वक्त सत्संग में किसी ने भाई ने प्रसन्न किया कोई कोई वक्त सत्संग में जाते हैं तो आनंद तो मिलता है पर ठहरता नहीं वह फिर कौन सा है शेठ जी बोले भगवान ने तीन प्रकार का सुख बताया है सात्विकी राजसी तामसी वह सुख वास्तव में तो है ही नहीं यदि है तो तामसी है भगवत विषय का सुख सात्विकी है वह परमात्मा को मिलाने वाला है और की अपेक्षाकृत वह बांधने वाला नहीं है वह कैसे बांधता है जैसे अभी अपने सब आदमी बैठे हैं पूछे कैसा किसका ध्यान है सबने बताया वह सच्चा सुख नहीं है सात्विक है मतलब अपने जैसे किसी ने पूछा कि हम बैठे हैं और किसी को पूछा कि कैसा ध्यान हुआ तो ध्यान बता दिया तो बताने में जो बात आई ना वो पूर्ण सुख नहीं है क्यों बताने में थोड़ी बात आती है पूरी आती है नहीं है इसलिए शेठ जी ने पूछा कि वह सात्विक है बोला बांधने वाला इसलिए है कि आज ध्यान लगा प्रसन्नता हुई और कल नहीं लगा और प्रसन्नता नहीं होती तो रोते हैं ध्यान लग गया तो जब तो लगता है ओहो बहुत आनंद आ गया और नहीं लगा तो लगता है कि वह क्या हो गया तो इसलिए रोते हैं ज्ञान के विषय में भी यही बात है इससे स्थाई सुख बढ़ रहा है भोजन करने बैठे खूब आनंद आया सुधा की मतलब भूख की निवृत्ति हुई तो पेट में तो दल दल चर, पेट में तो दल चढ़ता ही है उसी तरह ध्यान से दल तो चढ़ता ही है जब पूर्ण हो जाएगा तम यब तब यम लबा भोजन की तुष्टि पुष्टि तो रात भर की है सवेरे सब खल्लास है ध्यान की तुष्टि पुष्टि खत्म होने वाले नहीं है सदा कायम रहेगी देखो अब महाराज जी के विषय में एक बात आई सेठ जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं स्वामी जी के भीतर जो सदा प्रसन्नता रहती है वह तो स्थाई है वह कहीं नहीं जा सकती जो घटती बढ़ती है वह सात्विक है सात्विक है वह साधन है जो सदा रहती है वह नित्य है वह नित्य है और उसका उल्टा परिणाम नहीं होता है इसी वास्ते योग को कहा है कि नित्य है चौथे अध्याय में योगो नष्ट कहा है उसका मतलब अभाव नहीं है उस समय तक जानने वाले नहीं थे जो भगवान ने शुरू में बात बोली है ना कि चौथे में कि ये जो भगवान ने जो वर्णन किया है पहले में कि कहा इस तरह का वर्णन आया है साधन को साक्षात अपना रूप बतलाया है गीता में चौदह चौथे अध्याय के सत्ताईस श्लोक में यह चीजें नित्य है इसकी प्राप्ति फल साधन सुख सभी नित्य है जिसका साधन नित्य न हो उसका फल कैसे नित्य हो सकता है परमात्मा नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति नित्य है उसका सुख नित्य है सच्चा है जो तो जाता नहीं और जो जाता है वो सत्य सक, नहीं जो साधन है उसका फल सत्य है इसलिए इनको सच्चा बतलाया गया है उस नित्य सुख के लिए अपने को कोशिश करनी चाहिए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण शिवन्नारायण नारायण नारायण शिवन्नारायण नारायण नारा